क्वेश्चन नंबर 26 12th मैथ्स आरबीसी मिशनरी एक्सरसाइज नंबर 6 यानी यूनिट फर्स्ट वाला नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर फंक्शन fx इक्वल्स टू x log cos x टू द बेस e अपॉन log 1 plus x स्क्वायर टू द बेस e है जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी 0। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली देखें इसको। ऐसी कंडीशन में मुझे करना क्या पता होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, मींस अवकलनीयता सिद्ध करनी है। इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर वैल्यूज रखनी है, ये माइनस एच तो अपॉन में रहेगा, f 0 माइनस h कहां से लाएंगे इसके अंदर, तब x नॉट इक्वल टू 0 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब इसमें 0 माइनस h है ना, तो जहां x है वहां 0 माइनस h पुट कर देंगे, t माइनस h log cos माइनस h टू द बेस e अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा, टू दी बेस ई माइनस एफ जीरो, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी 0 है, फाइनली कितना मिल रहा है इसमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहां पर माइनस एच और माइनस एच तो कैंसिल हो जाएंगे और लॉग कॉस कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, इसलिए सिर्फ कॉस एच आएगा, टू दी बेस ई अपॉन log of 1 plus h square। अब यहां पर बहुत सोचने की जरूरत है कि अगर मैं इसको यहां डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, cos 0 1 होता है और log 1 कितना होता है 0 होता है, तो इसके अंदर ऊपर आ रहा है 0 अपॉन, यहां पर अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 plus 0 कितना होगा 1 होगा और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो मेरे पास आगे 0 अपॉन 0। इस केस के अंदर दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इसमें लॉग की एक्सपेंशन सीरीज लिखें, उसके बाद कॉस की सीरीज लिखें और यहां पर भी लॉग की सीरीज लिखें, फिर कुछ कॉमन आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड ये है कि यहां पर अपन डीएलएच रूल लगा देते हैं, डीएलएच रूल यहां पर बहुत ईजी रहेगा, बाई डीएलएच रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल है, इसके अंदर समझें कि कब लगता है ये लिमिट अप्लाई करनी हो और 0 अपॉन 0 फॉर्म अगर आ रही है उस केस के अंदर न्यूमेरेटर और ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले का अलग डिफरेंशियल कर लें, इसका अलग डिफरेंशियल कर लें, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशियल होगा, ठीक है ना, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे ना तो इसके बारे में सोचेंगे और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना, ये किसके थ्रू हो रहा है डीएलएच रूल के थ्रू, तो इसमें आपको बहुत जल्दी आंसर आता है log of cos h, इसका डिफरेंशियल 1 upon cos h into cos h का हो जाएगा माइनस का sin h upon ये log x, log x का फॉर्मूला कितना होता है 1 upon x होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा 1 upon 1 plus h square और 1 plus h square का हो जाएगा 0 plus 2h। अब हमारे पास में देखें ये माइनस h को भूलना नहीं है, लिमिट एच टेंस टू 0 इस माइनस को सबसे आगे लिख लें, माइनस साइन अपॉन कॉस को हम टेन यूज कर सकते हैं, टेन एच और ये हमारे पास में कितना 2h है और 1 प्लस एच स्क्वायर यहां आ जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन है ना, इसका रेसी प्रोफल हो जाएगा तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा, ये तो 10 हो गया और ये 2h आ गया। अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो tan h अपॉन h ये वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस 1 बाई 2 तो ये है ही है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस h की जगह मैं 0 रखता हूं तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फाइनली मुझको कितना मिला माइनस 1 बाई 2, ये किसकी वैल्यू आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब आप इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं पहले कॉपी कर लो, अब इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए
पहले एक ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की कितनी आएगी, एल एफ डैस जीरो के पास आया माइनस वन पे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आर एफ डैस जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहां पर इसमें एक्स है वहां एच रखें जीरो प्लस एच रखें, एच लॉग ऑफ कॉस एच टू द बेस ई अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस एच स्क्वायर टू द बेस ई अपॉन ये हमारे पास में एच है माइनस में यहां पर जीरो है, एफ जीरो की वैल्यू कितनी जीरो है। अब इसमें एच और एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ cos h to the base e upon log of 1 plus h square to the base e। अब h की जगह आप इसमें लिमिट अगर अप्लाई करते हैं, ये अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सेम पोजीशन आ गई, अगर मैं h का 0 रखता हूं cos 0 कितना 1 होता है और log 1 हो जाएगा 0, इसी तरह से यहां पर भी 0 रखने पर log 1 0 हो जाएगा, 0 upon 0 फॉर्म बनती है, और 0 upon 0 फॉर्म बनते क्या करते हैं by dmh rule। इंडियन हॉस्पिटल वालों को अभी समझाया था मैंने आपको, इसमें हम क्या करते हैं न्यूमेरेटर एंड ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसका इंडिविजुअल डिफरेंशियल और इसका इंडिविजुअल डिफरेंशियल कर सकते हैं जब 0/0 फॉर्म बने, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर log ऑफ cos h का डिफरेंशियल 1/cos h और cos h का हो जाएगा माइनस का sin h, log 1 + h स्क्वायर का 1 upon 1 plus h square और 1 का 0 और इसका हो जाएगा 2h। अब आप इसमें देखो लिमिट h tends to 0 ये माइनस का 10h upon ये वाला 2h और ये तो 10 हो गया माइनस आगे आ गया 2h है ये ऊपर चला जाएगा 1 plus h square। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 10h upon h h tends to 0 में 1 होगा ये आगे minus 1 by 2 इसकी वैल्यू 1 और यहां पर h से जगह 0 रखेंगे तो 1 plus 0 1 फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है minus 1 by 2 आ रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव minus 1 by 2 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव at point 0 निकला तो minus 1 by 2 आया, means l f dash 0 equals to r f dash 0 therefore fx is differentiable। दिया गया फलन x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है, ये इसका प्रूफ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली सॉल्व करें, पेशेंस के साथ सॉल्व करें। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।